राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। पार्टी के नेता और उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चौधरी साहब नहीं रहे। आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद से ही उनके फेफड़े में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। मंगलवार रात अजीत सिंह की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी की ओर से कहा गया, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद। आपका यूं अचानक चले जाना किसानों के संघर्ष और भारतीय राजनीति में कभी ना भरने वाली जगह छोड़ गया है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना, दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान, भावभीनी श्रद्धांजलि। चौधरी अजीत सिंह के परिवार की ओर से अपील की गई है कि लोगों से अपील की कि वो लोग कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए शोक संवेदना जताएं ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जयंत चौधरी ने कहा कि हमारा देश भयावह महामारी से गुजर रहा है, इसलिए मेरा उन सभी से अनुरोध है जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने को इच्छुक हैं, कृपया अपने घरों में रहें। हम सभी सुरक्षा नियमों का अनुपालन करें ताकि हम खुद और आसपास के लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें।